हिंदी सिनेमा और संचार के अन्य साधन लोगों की सोच और उनके नजरिए पर काफी हद तक प्रभाव डालते हैं, इसलिए हर सीन हर किरदार को बड़े नपे तुले ढंग से पेश किया जाता है। सिनेमा बनाने वाले निर्देशकों का दायित्व होता है कि ये अपनी फिल्मों में किसी धर्म जाति समुदाय की मर्यादा का ख्याल रखें, और बेशक ये ख्याल भी रखते हैं लेकिन केवल हिंदुओं को छोड़कर। ये अपनी फिल्मों में हर धर्म की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो अपनी सारी जिम्मेदारियों की तिलांजलि दे देते हैं। ये हमेशा हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इनके द्वारा हिंदू धर्म को पेश करने का तरीका कभी हास्य तो कभी भय तो कभी एक असंतुलित समुदाय की तरह पेश किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये सब बस किरदार तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी है? ये सीन हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक का है, जिसमें एक ट्रेन में कुछ लोगों को कार सेवकों की तरह दिखाया गया है, जो रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाते हुए एक मुस्लिम परिवार को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो लोग आपत्तिजनक मांस खा रहे हैं। सबसे पहली बात, ऐसी एक भी खबर नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीफ को लेकर कोई घटना हुई हो। इस एक सीन से आप समझ सकते हैं कि कैसे आज के दौर में वेब सीरीज के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं के खिलाफ समाज में जहर फैलाया जा रहा है। और ये कोई एक सीरीज या फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसी हिंदू विरोधी फिल्मों व सीरीजों की लंबी फहरिस्त है। पाताल लोक में ही एक और सीन है, जब इंस्पेक्टर चौधरी भागते भागते एक मेले में चल रहे भक्त प्रहलाद वाले नाटक में पहुंच जाते हैं। गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे भागते भागते वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं। संयोग तो देखिए कि ठीक उस समय खंभे को फाड़कर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह प्रकट होते हैं। नरसिंह के किरदार को भागते हुए इंस्पेक्टर चौधरी जोर का धक्का देकर निकल जाते हैं। नरसिंह सीधा हिरण्यकश्यप के ऊपर गिरते हैं। सोचिए अगर ऐसा किसी और धर्म या मजहब के ईश्वर के साथ किया गया होता तो क्या होता? क्या ये सीरीज रिलीज हो पाती? साथ ही सीरीज में एक सीन है जहां एक ब्राह्मण जनेऊ चढ़ाकर एक पराई स्त्री के साथ संबंध बना रहा है। अगली बारी आती है नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स की। इस फिल्म में हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू धर्म गुरु पाखंड करके दुनिया खत्म करने की साजिश रच रहा है। नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज लव पर स्क्वायर फुट में अभिनेता अभिनेत्री के एक दृश्य में, जिसमें थोड़ी अभद्रता भी थी, उसमें डायलॉग का उपयोग किया गया, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर पप्पी न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर पप्पी न जाए। जो एक कहावत रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ भी वह कहावत को हास्य में उपयोग में लाया गया, जबकि रघुकुल भगवान श्री राम और उनके कुल को संबोधित करता है। हिंदू विरोध की सारी हदें तो नेटफ्लिक्स के ही शो लैला ने पार कर दी थी। इस शो में दिखाया गया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया है और यहाँ पर दूसरे धर्म वालों को मारा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति खुलकर कुछ बोल नहीं सकता है। अगर किसी हिंदू स्त्री ने मुस्लिम से शादी कर ली तो उसके पति को मारकर उसके बच्चों को छीन लिया जाता है और उस स्त्री को जबरदस्ती सारी प्रताड़नाएं दी जाती हैं। आप इस शो के डायरेक्टर की बेशर्मी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इन घटनाओं को देखें और साथ ही आज से हजार साल पीछे के बारे में सोचें तो याद आएगा कि ठीक यही घटनाएं हिंदुओं के साथ हुई थी और जिसे अंजाम क्रूर मुगलों ने दिया था। लेकिन इन बिकाऊ निर्देशकों की बेशर्मी तो देखिए, ये सच्चाई दिखाने की बजाय एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं और उसमें जितना हो सके हिंदू और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर भरते हैं। जरा आप सोचिए, जिस देश ने आज तक कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, जहां लोग हमेशा अतिथि देव भव के आदर्शों पर चलते हैं, जिस देश के बहुसंख्यकों ने हमेशा प्रताड़नाएं झेली, भला वहां के लोग कभी ऐसा कर सकते हैं? 80% हिंदू आबादी वाले देश में ही हिंदुओं को हिंसक और हत्यारा दिखाया गया, लेकिन हिंदू चुप रहे। आप सोचिए, अगर हिंदुओं के अलावा किसी और के बारे में ऐसा दिखाया गया होता तो परिणाम क्या होता?
आपको पीके फिल्म का वो सीन तो याद ही होगा जिसमें भगवान शिव के रूप में एक व्यक्ति आमिर खान से बचकर भागा भागा फिरता है। आप लोग वो सीन देखकर बहुत हंसे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचना चाहा कि केवल हिंदू देवताओं को ऐसा क्यों दिखाया गया, किसी और धर्म को क्यों नहीं दिखाया गया? धर्म निरपेक्ष देश में धर्म निरपेक्षता का सारा ठेका केवल हिंदुओं ने ही क्यों उठा रखा है? हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर, हिंदुओं की देवी देवताओं के साथ अभद्रता दिखाकर, उनके संस्कृति पर सवाल उठाकर ऐसे सीरीज हिंदुओं को असहिष्णु बताते हैं। प्रोपेगेंडा चलाने वाले ये वही लोग हैं जो बोलने की आजादी के नाम पर, धर्म निरपेक्षता के नाम पर हर दिन हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। क्या इनमें किसी और के बारे में इतनी अभद्रता दिखाने की हिम्मत है? अंत में आपसे यही अपील है कि आप बेशक ऐसी फिल्में या वेब सीरीज को देखें, लेकिन इनके बहकावे में न आए, इनके प्रोपेगेंडा का शिकार न बने, क्योंकि इनका मकसद ही है देश के हिंदुओं में उनके ही धर्म और संस्कृति और इतिहास के खिलाफ घृणा और नफरत पैदा करना। और इस बात से कोई और अनजान नहीं है कि अब हमारा धर्म और हमारी संस्कृति ही हमारे जीवन का आधार है, हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। जिस दिन हमें इससे अलग कर दिया गया, उस दिन न हमारे पास कोई शक्ति होगी न कोई पहचान।